मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चे की हंसी गूंजे। आप क्या चाहती हैं क्या नहीं, इसके लिए मैं अपनी सोचों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। अरे पहले तूने बुर्का उतारा, अब दुपट्टा भी उतार दिया तूने। आप महज जज्बाती हो रहे हैं। क्यों अपने बच्चे की ख्वाहिश करना क्या जज्बातीपन है? प्लीज आप जाएं यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा, आप मुझ पे ट्रस्ट करें ना। प्लीज आप यहाँ से जाएं, वरना मैं आदिल को बता दूंगी। मैंने इसको अपने घर में, आप बस इसको ले जाओ यहाँ से, कोई उठा के खुदा के बस इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मर्दाना कब्रिस्तान से बेटा, उनसे उनको कहना ले जाए इसको, उसके बाद मैं नहीं देखना चाहती इसकी शक्ल। लेकिन आपा शक्ल देखो, उसकी शक्ल देखो, कितनी मासूम लगती है ये देखो ना। और मेरे दामाद पे डोरे डाल रही थी, मुझे क्या खबर थी, और इसी वजह से मेरा बच्चा चला गया है। इसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका मेरा बच्चा। प्लीज अम्मा मेरा यकीन करे, मेरा कोई कसूर नहीं था। आदिल भाई ने मरते मरते हमें बताया, लक्षण तो देखे अपनी बेटी के, मेरे मियाँ पे डोरे डाल रही थी, मेरे मियाँ को फंसाने की कोशिश कर रही थी ये। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ पता नहीं था मेरी बेटी, मैं इसको घर में बर्दाश्त कर सकती, मैं निकल जाए यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से, निकालो निकालो, मेरा यकीन करे, मेरा कोई कसूर नहीं। अरे जाओ यहाँ से, दो मजबूती तुम हमारे भाई की, जाओ यहाँ से, चलो चले जाओ यहाँ से, चलो चले जाओ, मुझे भगवान दूँगा यहाँ से, जाओ यहाँ से, लेके जाओ अपनी बेटी को। कुछ किया तेरी बातों का सारी जिंदगी यकीन करता रहा हूँ मैं, अब नहीं करूँगा। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, इस उम्र में ऐसी बीमारियां हो ही जाती है, हो सकता है वो पहले दिल का मरीज हो। ये तो बड़े ही जाहिल लोग निकले। अज़गर तुम्हें वहाँ जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। अरे उसे क्या खा खा के बात करूं, नाक कटवा दी इसने, ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी इसने। ये सब विरासत का चक्कर है, इसका नंदा नंदोई ना बहुत शातिर लोग है, कैसे दूध ने मक्की की तरह निकाल के फेंक दिया। लेकिन इसको विरासत से अलग नहीं कर सकते, विरासत में उर्वा का भी हक बनता है। अरे विरासत का क्या करूंगा, बाहर में जाए विरासत, नाक कटवा दी इसने, इज्जत खत्म हो गई, अब विरासत का क्या करूं मैं। काश काश इस वक्त ही बच्ची के सर पर शफकत का हाथ रख देते, इनकी सारी ज्यादतियों का असर हो जाता। चुप हो जाओ। तुम्हें इस वक्त उर्वा के पास रुकना चाहिए था। पप्पू रुकी है ना उसके पास, काफी है। तुम उसकी बहन हो, तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र की बात है, बेवा हुई है तुम्हारी बहन। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मालूम ही तो नहीं है तुम्हें। हैरत है, इतना बड़ा तमाशा देखने के बाद भी आप उसी की हिमायत कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, उर्वा ने ससुराल जाके क्या रंग रंग दिखाए, और उसकी सास ने फौरन उसे घर से निकाल दिया, इद्दत भी पूरी नहीं करने दी।
अब मोहतरमा अम्मी के घर इद्दत पूरी करेंगी, ना भी करे तो उनकी मर्जी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसी बीवी मिलेगी। मुझे मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको खुश रखने की पूरी। तुमको आइसक्रीम कौन सी पसंद है? वो देर हो जाएगी। नहीं नहीं, देर क्यों होगी, आइसक्रीम खाने में देर थोड़ी लगती है। अम्मा खफा ना हो ना, वो हमारा खाने पे इंतजार कर रही होंगी। उन्हें बताने को किसने कहा है? मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया कि तुम घबरा जाओ। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ, अच्छे नहीं? नहीं, बहुत अच्छे। तुम तैयार नहीं हुई, चलना नहीं? मैं तो तैयार हूँ, आप जाके फ्रेश हो जाएं। तुम इतने हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनती हो? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों, नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा, हर इंसान का हक है खुश होने। मैं तो तुमसे सिर्फ वजह पूछ रहा हूँ, क्या बात? ऐसी दिल चाह रहा था मुस्कुराने को तो मुस्कुरा दिए। क्यों, आप कहते हैं तो नहीं मुस्कुराती। ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा मैं अम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ, साथ चल रही हूँ। आप क्यों जा रहे हैं, पजल को भेज दे, संडे है, छुट्टी होती है आज। अच्छा चलो, आप कहते हैं तो साथ चली जाती हूँ। वैसे आजकल तो रोजाना जाना चाहिए बस। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। मुझे यकीन है दोस्त, तुम मुझे आइंदा यहाँ नजर नहीं आओगे। वादा करके जाओ कि तुम इस जहर के अब करीब भी नहीं जाओगे। जी डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान मंद हूँ मैं आपका, आपने बड़ा ताबुन किया मेरे साथ है। खराब कहाँ की तैयारी है? जरा काम से जा रहा। मुझसे छुपाना जरूरी है? अरे बाबा कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे, वहम मत किया करो। वहम नहीं कर रही, मुझे यकीन है। अरे बाबा शक घरेलू ताल्लुकात में दरार डाल देता। एतबार करना सीखो। कैसे करूं एतबार, मैं घर में पड़ी रहती हूँ, आप रोज तैयार होके अकेले निकल जाते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी बाहर के खानदान से आई हो। हमारे खानदान में औरतें घर में खुश रहती हैं। लेकिन मुझे आपके साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। अरे बाबा मैं कहाँ जा रहा हूँ, पास तो हूँ तुम्हारे। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस शादी को मजबूरन निभा रहे हैं? कांच की नाजुक ग्लास को जोर से पकड़ोगी तो टूट जाएगा।
शादी भी कांच की तरह होती है, नाजुक। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों को एक दूसरे को मुकम्मल आजादी देनी चाहिए। बाबा निकला करो, एंजॉय किया करो, सहेलियों से मिलो, शॉपिंग करो। और आपका इंतजार? अरे बाबा ऐसे मत सोचा कर, आ जाऊंगा, तेरे से दूर कहां रहूं। अपना ख्याल रखना। इन्हें पहन कर देख देख कर खुश होते थकती नहीं हो तुम? अरे जेवरात का शौक तो हर लड़की को होता है। कुछ ख्वातीन होती है जिन्हें इन चीजों का शौक नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं? किसी खास की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना। उल्टा सीधा मैं क्यों सोचूंगी? आपको तो मेरे हर शौक पर हर काम पर एतराज होता है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि चीजें रिश्तों से अहम नहीं होती। जानती हूं मैं, हरम क्या हुआ? हरम दरवाजा तो खोलो। हॉस्पिटल जाना है ऐसा। आर यू ओके? हरम दरवाजा खोलो। अनम अगर तुम एहतियात करती तो ऐसा कभी ना होता। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। जानबूझ कर कौन करता है बेटा, लेकिन शुरू में माँ को एहतियात करनी चाहिए। जिस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना, उसके लिए हजार एहतियातें भी कर ले, उसे कोई जिंदगी नहीं दे सकता। हाँ ये तो है। अनम एक बात तो बताओ, क्या बात है? साहिदा कुछ संजीदा लग रही थी और हसाम तो बल्कि नाराज दिखाई दे रहा था। दोनों एक ही मिजाज के, बात बात पर मुंह बन जाता है। अब आप ही बताइए सारे में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर क्यों होगा? कौन सी माँ चाहती है कि उसकी औलाद इस दुनिया में ना आए? अब आप देखिएगा फूफो को कैसे हसाम को चढ़ाएंगी। नहीं नहीं शायद ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। अम्मी आप हारी को अपने जैसे सीधा ना समझा करें। अच्छा चलो ज्यादा टेंशन मत लो, आराम करो तुम। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं चला, बच्चा मुझे पैदा करना था। जब तक मैं नहीं चाहूंगी
ऐसा कैसे हो सकता था? मुश्किल तो मुझे उठानी पड़ती। तुम माँ बेटे का क्या है, तुम्हें तो बस बच्चा चाहिए। मिल जाएगा बच्चा भी, क्या मेरी उम्र बीत गई है? बहुत वक्त पड़ा है अभी इन बातों के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, जो एक छोटे से बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं कर सकती। अलिशबा बेटा, अलिशबा तैयार हो गई बेटा? नहीं अब, बस मैं भी कपड़े बदल के आ रही हूँ। तुझे देर नहीं हो रही? अच्छा देख बात सुन, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो चल तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा, बाहर खड़ा हूँ गाड़ी में, इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा, चल आ जा तुझे देर ना हो जाए कॉलेज। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अब पता है, आज पहली मर्तबा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुली धूप में नहीं बल्कि एक सायवा के नीचे खड़ी हूँ। अम्मी हमसे बहुत प्यार करती हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में तिश्नगी रही, सिर्फ इसलिए कि आप हमसे दूर रहे। अब्बा क्या कहना चाह रही है तू, हैं कि मैं जाबिर हूँ, जालिम हूँ मैं, हैं? नहीं नहीं अब्बा, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ मैं तो लापरवाह बाप हूँ, तुम लोगों का तो ख्याल ही नहीं रखता मैं। नहीं नहीं अब्बा, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे होते तो तारिक पे यूँ मोहब्बत और नरमी ना लुटा रहे होते। इसका मतलब है कि आप में मोहब्बत और नरमी तो है, लेकिन हमारे लिए नहीं। यही तो मसला है तुम लोगों का, जरा सी तुम लोगों से बात करने लग जाओ तो शिकायतें शुरू हो जाती तुम लोगों की। तो फिर ये शिकायतें हम किससे करें अब्बा? अपनी माँ से करो, मुझसे मत किया करो बातें। अबे हट। है ना दनामी? बेटा वो रख दे, मैं बाद में पी लूंगी। बेटा पी लो, गरम गरम है, तबीयत बहाल हो जाएगी। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। बेटा पी के तो देखो, बहुत मजे का है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। कहा ना फूफो, मुझे अभी नहीं पीना, तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते। अनाम क्यों इतने नखरे कर रही हो बेटा? तुम्हारी फूफो ने कितनी मोहब्बत से अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए सूप। मैंने तो नहीं कहा ना बनाने के लिए, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा तो क्या जबरदस्ती पी लूं? कोई बात नहीं बता, जब इसका दिल चाहेगा जब पी लेगी।
नमस्कार भाई, जाने का कह रही थी, गाड़ी तैयार है अगर जाना चाह रही तो। हाँ बस अब चलती हूँ, उर्वा घर पर अकेली है क्योंकि अलिश्वा के तो सेमेस्टर चल रहे हैं ना, और मैंने उससे कहा था कि मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। हाँ आपकी तो एक ही बेटी है ना जिसकी आपको हर वक्त फिक्र रहती है, दूसरी तो चाहे मरती रहे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम जानती हो उर्वा इज्जत में है और तारिक का घर में होना ना होना बराबर है, अगर कोई घर में आ गया तो कितनी मुश्किल होगी। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, उर्वा को इस हालत में छोड़ना भी नहीं चाहिए। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं हूँ उसके साथ, चलना है चल। हाँ चले। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, आज उजाए था। आप मुझसे खफा है? नहीं। देखिए हसाम, जिन मामलात के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तुम तो पहले दिन से ये बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन आपके समझाने पर मान तो गई थी ना। मैं दिल से तुमने माना होता तो ये बच्चा इस दुनिया में होता आज। हाँ मैंने कत्ल किया ना अपने बच्चे का, मैं ही एक जालिम माँ हूँ, कातिल हूँ अपने बच्चे की। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर और क्या मतलब था आपका? अच्छा सॉरी, बहुत खुश था ना मैं, हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, पर आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी मुझे यकीन है। कभी कभी तो दिल करता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, दम घुटने लग गया मेरा इस घर में। कैसी बातें करती हो अलिश्वा, अम्मा अब्बा सुनेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। परेशान क्यों हो रही तुम उर्वा, इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ है कि मैं घर को छोड़ के भाग सकूं? इतना बहादुर समझती हो मुझे? ऐसा कदम बहादुर लोग नहीं बुजदिल लोग उठाते हैं। और तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? जिंदगी ने इतने इल्जामात मेरे माथे पर सजा दिए कि उसका बोझ लेकर पूरी जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल सा हो गया। अल्लाह बेनियाज जरूर है लेकिन बेखबर नहीं, तुम्हारे माथे पे लगे सारे दाग एक नए दिन इंशाल्लाह जरूर मिट जाएंगे। मैं अब्बा की नजर में कितनी नामोतबर हो गई हूँ। एक दिन यही अब्बा तुम्हारी बेगुनाही का एतराफ करेंगे, देखने ना तुम उर्वा इंशाल्लाह। बेटा कहाँ जा रही हो? हाँ पापा बस काम है जरा। बेटा कुछ दिन तो आराम कर लेती ना, अब बाहर जाओगी तो फिर थकन होगी कमजोरी बढ़ जाएगी। नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ फिर हमें दोबारा खुशखबरी सुनाओ। इस दफा बेटा मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। आपको क्या हो गया है? मैं इंसान हूँ कोई मशीन तो नहीं हूँ, अभी मेरा मिसकैरेज हुआ है एक हफ्ता नहीं हुआ है और आप आगे की प्लानिंग करी? बेटा मैं तो सिर्फ खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दीजिए। अनम
रात को भी प्लान नहीं बनाना, पार्टी पे जाना। पार्टी? किसकी? कहाँ? मेरे क्लाइंट है शहबाज अहमद खान, उन्होंने इनवाइट किया। शहबाज अहमद खान? हाँ, सियासी खानदान के आदमी, बड़े अच्छे। कहाँ है? उनके घर पर है, बस तुम रात 9 बजे तैयार है, ठीक है? लापस। बाय। पार्टी। तुम तैयार हो गए हो कमल? मेहमानों के आने का टाइम हो गया, कितनी देर लगाओगी और? मैं तो तैयार हूँ, देखिए कैसी लग रही। ये क्या ड्रेसिंग की है? क्यों, क्या खराबी है मेरी ड्रेसिंग में? मैंने कहा भी था कि मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, उनकी बीवी आएंगी, और ये इतना जेवर क्यों लाद लेती हो अपने पर? हाँ तो मेरे पास इतना कीमती जेवर है, मैं क्यों ना पहन के दिखाऊं? प्लीज ऐसी चीजें तुम खानदानी तकरीबात के लिए रखा करो, और ये प्लीज थोड़ा मेकअप कम करो। आपको तो मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ भी पहन लूं आप कभी तारीफ नहीं करते। अरे बाबा मैंने ये कब कहा? अरे हजार बार कहा है कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो, कुछ सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कर लो, बेकार में सारा दिन टीवी देखती रहती हूँ। ठीक, फिर ना लेके जाए मुझे अपने दोस्तों के सामने। अच्छा ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, आ जाओ चलो शाबाश, जल्दी से नीचे लोग आ गए होंगे। तो आपको यकीन आ गया होगा कि आपका और मेरा यूं बार बार मिलना कोई मकसद नहीं। अभी कुछ देर पहले आप मेरे हस्बैंड से मिले थे, उनसे मिलने के बाद ऐसी बातें बेमानी हो जाती। आप भी तो मेरी बेगम से मिले, आई डोंट थिंक सो, उससे कोई फर्क पड़ता। आप यूं ही हमेशा दिल हथेली पर लिए फिरते हैं? जी नहीं, आपको देखकर दिल बेख्तियार हो जाता है। आपका दिल शायद इख्तियार में हो या ना हो, मैं अपने शौहर की पाबंद हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। आप यहाँ बातों में लगे हुए, वहाँ बाबा आपका पूछ रहे हैं। भैया यहाँ अकेली खड़ी थी, मैंने सोचा मेजबानी निभा ली जाए। एक्सक्यूज मी। श्योर। क्या बात कर रहे थे शहबाज साहब? ऐसे ही बस, अकेली खड़े भी मुझे यहाँ देखा तो पूछने आ गए कि बोर तो नहीं हो रहे हो, अच्छे इंसान है। हाँ, है तो बहुत अच्छे इंसान।
लेकिन उनकी वाइफ कुछ अजीब सी लगी मुझे, कुछ गवार सी है, बिल्कुल मैच नहीं करता। इनकी फैमिली में ये नहीं देखा जाता कौन किसके साथ मैच कर रहा है, शादी हो जाती है क्या? खैर हमें क्या, आपने देखा सब लोग कैसे हमारी तरफ देख रहे थे रश्क की नजरों से, बिकॉज वी आर द परफेक्ट कपल। जी अम्मी, अम्मी जी क्या बात है? मेरा यहाँ वॉलेट रखा हुआ था, मिल नहीं रहा है। यही होगा बेटा, अच्छी तरह देखो। अरे अम्मी लेट हो रहा हूँ मैं मीटिंग के लिए। अनम कहाँ है? मुझे बता के जाती है कभी, शायद लाउंज में मैं देखता हूँ। आप प्लीज देखे ढूंढे कहाँ है अम्मी। पता नहीं कहाँ रख देता है ये। ये रहा बेटा। अम्मी लाउंज में नहीं है। ये रहा ये रहा ये रहा ये ना है। ये लो। और ये दवाइयां जो है अपनी बीवी से कहना जगह पे रखा करे। हाँ क्या हुआ? कहाँ से मिली आप? क्यों कौन सी दवा है? आपको पता है कि आपकी मैं उन्हें क्या हरकत की है? क्या बात है? तुम बताओ ना क्या बात है? तुमने हसाम से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या आप लोग क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये भी हम बताएंगे तुम्हें? जब मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा कसूर क्या है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? बहुत ठीठ हो तुम। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उस बच्चे को आने से रोका। क्या? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर ये क्या है? क्या है ये? ये तुम्हारा सबसे पहला गुनाह ये था कि तुमने उस बच्चे का कत्ल किया है, दूसरा गुनाह ये है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये काम किया, और तीसरा गुनाह ये है कि झूठ पे झूठ बोली चली जा रही हो ढिठाई के साथ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ से आई है। तुम कहना क्या चाह रही हो? ये दवाई हमने रखी है यहाँ। हाँ हो सकता है क्योंकि आप मेरे साथ खुश नहीं है। आप तो उर्वा के साथ शादी कर। उर्वा को बीच में मत लेकर आओ। क्यों बीच में ना लेकर आऊं मैं? वो हमारी शादी के पहले दिन से हमारे बीच में है। अलम तुम अपनी गलती मानने की बजाय बात कर रुख क्यों बदल रही हो? मैं गलत रुख की तरफ लेकर जा रही हूँ? मैं जानती हूँ ये सारी आग आपकी लगाई है। आप हसाम के कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अगर तुमने ये बकवास अपनी बंद ना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। मैं तो फंस गई आपके साथ शादी करके। आप मेरी हर ख्वाहिश हर चाहत पर पाबंदी लगाना चाहते। मैं आपकी जर खरीद नहीं हूँ कि आपका हर हुक्म मानूंगी। तुम मेरी हर बात मानो। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो तुम अपनी मर्जी चला रही हो, मगर इस गुनाह के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हर किस नहीं तो क्या करेंगे आप? हाँ तलाक देंगे तो दे दें, इतना आसान नहीं। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। इस हरकत के बाद तुम्हें तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहिए। खुदा की वजह से कोई उल्टी सीधी बात ना करना। अम्मी याद है आप, मैंने आपसे कहा था ना अगर इसने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ तो क्या सोच रहे? धमकियां ना दे मुझे, मैं किसी से नहीं डरती। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ ना। क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? क्या बोलने का हक सिर्फ आप लोगों के पास है? तुम्हें सुनने का शौक है तो सुनो, तुम्हें मैं तलाक देता हूँ।
हसन रुक जाओ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। मैं समझता तू बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, लेकिन तू तो बड़ा जज्बाती हरकतें कर रहा है, हैं? क्यों छोड़ रहा है तुमको तू? अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत थी तो मुझे बताते, मैं